पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। पहला प्यार है। पापा? हाँ बेटा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे आओ ना बेटा। बताओ क्या बात करनी है आपको? वो मुरली के पापा है ना, उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया। अब वो पटना में नहीं रह पाएंगे, वो रतलाम जा रहे हैं वापस। पापा आप कुछ कर सकते हैं उनकी जॉब वापस दिलाने के लिए, वरना हमारा बेस्ट फ्रेंड अकेला पड़ जाएगा। बेटा किसी को ऐसे ही बेवजह नौकरी से नहीं निकाला जाता है, जरूर उनके काम में कुछ कमी रही होगी। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। पर पापा एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना। नंदिनी ये तुम्हारे स्कूल की कोई पनिशमेंट नहीं है जो पापा के कहने से सुलझ जाएगी। बड़ों की बातों में मत पड़ो बेटा, वैसे भी तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, फोकस ऑन दैट। डोंट वरी बेटा, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच पापा। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों झूठ बोला उससे? तुमने देखा नहीं कितना बुरा लग रहा था उससे? तो झूठी तसल्ली देंगे आप? अरे तुम बाद में कह देंगे ना उससे कि हमसे नहीं हो पाया। कम से कम अपने बच्चे से तो वकालत मत करो शिखर। तो क्या उसका दिल दिखवा देते तुम्हारी तरह? गायत्री नंदिनी बच्ची है, उसे हर कड़वा सच बताने की क्या जरूरत है? हाँ अगर वो कुछ दिन खुश रह लेगी तो क्या बुरा हो जाएगा इसमें? आगे चलूं मैं पीछे मेरी जिंदगी, थोड़ा सा जी लूं आज मर्जी है मेरी। कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी। बीते तुम्हारा ये एग्जाम अच्छा गया? हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, फिर चेक किया तो सही था। बीते लम्हों को बुला के पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। शामें हैं काली सी कोई स्याही, लिख दो इसे तुम्हारी कहानी। तुम हो मुसाफिर और जिंदगी सफर, टुकड़ों में जैसे कहानी है बटी। शामें हैं काली सी कोई स्याही, लिख दो इसे तुम्हारी कहानी। तुम हो मुसाफिर और जिंदगी सफर, टुकड़ों में जैसे कहानी है बड़ी। लंबे लंबे रास्तों पे जिंदगी है छोटी सी, इस पल को जी लो जैसे पल है कोई आखिरी। बीते लम्हों को बुला के पल थोड़े से चुरा के, बीते लम्हों को बुला के पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए।
ओके गाइस, सो आज हम दो चीजों की सेलिब्रेशन करने वाले हैं। वन इज साइंस प्रोजेक्ट में फर्स्ट आने की एंड द सेकंड वन इज एग्जाम ओवर। नंदनी, नोट्स के लिए थैंक यू, काफी काम है। अच्छा, एग्जाम्स खत्म तो मतलब दोस्ती भी खत्म। मतलब थैंक यू क्यों बोला? सॉरी, वापस लेती हूं। गाइस, थोड़े ही दिनों में रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और हम क्लास 12th में होंगे। बस अब ये जानना है कि फर्स्ट कौन आएगा। नंदिनी। वेट अ मिनट गाइस, इस बार सिर्फ हम ही रेस में नहीं है, मुरली भी है। नहीं नहीं, मेरा तो पहले ही पेपर अच्छा नहीं गया था, तो फर्स्ट तो मैं नहीं आ पाऊंगा। सो व्हाट, बाकी एग्जाम्स तो अच्छे गए ना, आई एम श्योर परसेंटेज भी अच्छा ही आएगा। हम अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं। तो नंदिनी की तरह क्या सीन, कुछ थॉट हुआ या नहीं हुआ? नंदिनी, तुमने बोला था एग्जाम्स के बाद बात करेंगे। Can I say something? Sure. I'm sorry. जो हुआ नहीं होना चाहिए था। I'm really sorry. Sorry तो तुमने पहले भी कहा था। Vikram, see, I respect your feelings. It's okay to like someone. पर जब हमने तुमसे पूछा that you want to be friends, तब तुमने हाँ कह दिया। फिर ये सब क्यों किया विक्रम? It was so damn embarrassing. I know Nandini. इसीलिए sorry बोल रहा हूँ। मेरी वजह से हमारे ग्रुप की एनर्जी भी खराब हो गई। हम really ग्रुप के बात नहीं है विक्रम। Our families know each other. हमारे पेरेंट्स को पता चल जाता फिर, then what? I messed up. Immature, बेवकूफ जैसे बिहेव किया मैंने। But you don't worry, मैं सबको बता दूंगा गलती मेरी थी। I'm the stupid one. Guys, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। विक्रम। हाँ, मैंने नंदिनी को प्रपोज किया था। और जब इसने मुझे रिजेक्ट किया, लाइक एन इडियट, मैंने मेरा गुस्सा तुम सब पर निकाल दिया। हमारे ग्रुप की एनर्जी खराब हो गई और पूरे स्कूल को पता चल गया। क्या? मैंने नंदिनी को प्रपोज किया? कब? वो छोड़ो। I'm sorry नंदिनी, sorry guys, I messed up big time. नंदिनी सिन्हा, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? बन सकते हैं। No hard feelings. No hard feelings, friend. नंदिनी, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? हमने ट्राई किया था मुरली, पर तुम पढ़ाई में इतने बिजी थे कि हमें तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना था। ओके, सो एलिफेंट इन द रूम बाहर आ गया है। लेट्स ऑल चिल नाउ। या सीरियसली, ग्रुप में कितना टेंशन हो गया था। एक बार सॉरी बोल दे ब्रो। सॉरी गलती तेरी है, मुंह बंद नहीं रख सकता था, बात तूने फैलाई है। आयुष, तो मुंह बंद ही रखा कर। ओके गाइस लिसन, अभी विक्रम हमें ये बताएगा कि उसने नंदिनी को प्रपोज किया कैसे। डी स्टॉप इट। ओ कम ऑन बेब, अब तो चैप्टर ओवर हो गया ना, मजाक क्यों नहीं कर सकते? कम ऑन विक्रम, स्पिन। गाइस, बहुत ही क्लीशे टाइप का प्रपोजल था। हम भी बहुत क्लीशे हैं। तो मैंने उसे एक मिरर दिया और एक पोयम सुनाया। पोम एज इन कविता। नो वंडर नंदिनी ने रिजेक्ट कर दिया। हमें भी सुनाया, कौन से पोयम से लड़कियां भागती हैं। हां डूड, डेथ बाय पोएट्री। वही पोयम मरली जो तुमने सिखाई थी, वही सुन के नंदिनी ने मना कर दिया।
टेक्निकली नंदिनी ने तुम्हें रिजेक्ट किया है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।